हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। हरियाणा की चर्चित सीटों में से एक बाढ़ड़ा विधानसभा, इस सीट से बंसीलाल के दामाद सोमवीर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी ने उमेद सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार इस सीट पर दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। बाढ़ड़ा विधानसभा के अंदर ही फोगाट परिवार का गाँव भी आता है। हमारे संवाददाता अश्विनी सिंह ने यहाँ लोगों से उनके मुद्दे और चुनावी माहौल को लेकर बात की। इस वक्त हमें दादरी जिले के बाढ़ड़ा सीट पर, ये इस जिले की दो सीटें हैं, एक दादरी और एक बाढ़ड़ा। इस सीट पर पहले, इससे पहले जो नैना चौटाला, जो दुष्यंत चौटाला की माँ है, वो यहाँ से विधायक चुनी गई थी। हालांकि इस बार वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस ने जो टिकट दिया है वो बंसीलाल के दामाद को दिया है, वहीं बीजेपी ने उमेद सिंह को टिकट दिया है, जो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार मेन मुकाबला कांग्रेस बीजेपी है। जेजेपी इस बार चुनाव में कहा जा रहा है कि वो बैकफुट पे है, क्योंकि जब नैना चौटाला चल गई तो इस सीट पर खास दबदबा जेजेपी का नहीं है। आइए लोगों समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हाई प्रोफाइल जो सीट है ये, क्या इस सीट पर मुद्दे क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की जो उम्मीदें थी क्या 10 सालों में बीजेपी सरकार में पूरी हुई या नहीं हुई है। तो सर पहले आपसे शुरू करते हैं, आपका नाम? नरेंद्र है जी। नरेंद्र जी, पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार रही है, आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आपकी नाराजगी है या किन मुद्दों पर आपका सरकार का समर्थन है? तो जी सबसे पहले किसानों का है, MSC का, पानी का, समस्या बहुत है, लेकिन हमारे तो 5 साल नैना ने बर्बाद कर दिए। क्यों बाढ़ा के अंदर कोई विकास नहीं होया, कभी आई नहीं गांवों में, अरे पता ही नहीं, अब अपने बेटे को जिता रही है, वहाँ से बाढ़ा की कोई खबर ही नहीं। जो माल था 5 साल वहाँ बाढ़ा का खा लिया, लेकिन यहाँ कोई उसके दर्शन नहीं, आई नहीं अभी तक, और न आए। अभी जैसा कह रहे हैं कि आपके यहाँ नैना चौटाला अभी भी विधायक थी, इस बार चुनाव नहीं लड़ रही, क्या कारण है कि वो यहाँ से चली गई, क्या काम किया उन्होंने यहाँ पे? देखो, नैना चौटाला ने जिस जोश और आस से लोगों ने नैना चौटाला को यहाँ से जिताया था, वो चौधरी देवलाल परिवार की बहू थी, इसीलिए उसको जिताया था, और ये आस थी कि वो किसानों के हित में कुछ करेगी। लेकिन जब किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, किसानों के लठ रख रहे थे, तो नैना ने कोई आवाज़ किसानों की नहीं उठाई, और न ही उनके पुत्र दुष्यंत चौटाला ने उठाई, इसलिए नैना से नाराजगी है। ये मैं आता हूँ आपके पास, ये आपसे सर मैं पूछना चाह रहा था कि यहाँ पर पिछली बार बंसीलाल जी की जो बेटे हैं वो चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो हार गए कांग्रेस से। इस बार बंसीलाल की दामाद लड़ रहे हैं, तो क्या बदलाव आएगा, क्या वो उनकी जो खानदानी है चीज़ जैसे दामाद जी हैं, क्या जीत पाएंगे इस बार यहाँ से? भाई मामला ये है कि जो ही पता चला कि बाढ़ड़ा से सोमवीर लोहारू को टिकट मिली है, तो उसमें थोड़ा सा चर्चा नेगेटिव पॉइंट एक आ रहा था सामने कि भाई बाढ़ड़ा के लोग कह रहे थे कि भारी उम्मीदवार का अब के बारे में विरोध करेंगे, ये सुनने में आया है। बाकी कांग्रेस का जोर है, जीत सकता है, मैं ऐसा कह नहीं सकता भी वो जीतेंगे हारेंगे, लेकिन विरोध तो है। तो बाहरी मनाम जो बाढ़ड़ा का निवासी है, वो क्या मुद्दा है चुनाव में कि आपके बाहरी का नहीं जिताएंगे या यहीं के लोगों को जिताएंगे? नहीं, कांग्रेस का उम्मीदवार बाहरी कह ही नहीं सकते, हमारे गांव के लगता उम्मीदवार है, हमारे 25 के 40 के लगभग गांव हैं, उसी को उत्तर से जुड़ा हुआ है, काकाताऊ का नाता है हमारा, और जो बीजेपी ने टिकट दे रखी है वो गुड़गांव रहता है, बाहरी तो वो है, ये तो यही रहता है, यहाँ से बाढ़ा से 4 किलोमीटर चलते ही उनका गांव आ जाता है। लोगों ने परिवर्तन का मन बना रखा है, गांव के जो सरपंच थे उनको पिटा, आंगनवाड़ी की बहनों को पिटा, ये खिलाड़ी बहनें थी उनको रोडों पर पिटा, तो हर आदमी दुखी है, न कोई शिक्षा की सुविधा करी, यहाँ कॉलेज तो खोल दिए, उन कॉलेजों में आज तक टीचर नहीं है, बच्चे वैसे ही घूम रहे हैं रोडों पर। ताऊ, इस बार जो दामाद लड़ रहे हैं बंसीलाल जी के सोमवीर जी, क्या वो इस बार मजबूत कैंडिडेट हैं यहाँ पे? नहीं। कौन मजबूत है यहाँ पे? मजबूत तो भाई देखो जिस तरह कौन होगा वो पता चलेगा, लेकिन हमने तो पहली भी अखबार में कटवा दी थी भाई बाहर का जो सन हम कैंडिडेट नहीं मानागा, पूरे 50-60 बरा क्या था भाई, एक आध किसान दे दियो टिकट, किसी को भी दे दियो, मान ले वो आराम से जीत जा रहे, उसका विरोध से खूब सा मानसा मरोस आगे देखी जाए। तो जो भाजपा के उम्मीदवार उम्मीद वो तो यहीं के ही हैं, भाजपा के उम्मीदवार पद पा, पा, पा तो आस उम्मीद हाँ उम्मीद
हाँ। तो क्या वो ठीक है यहाँ के हिसाब से? ना ना ठीक तो मान ले वो बीजेपी में से ठीक तो वो भी कोनी, लेकिन मान ले आरिन बिरन बिरन क्या करेंगे। कौन इस समय इस सीट पर कौन मजबूत लग रहा है, कौन जीत सकता है यहाँ से आपके सीट से? देखो अब मैंने पहले ही बताया था आपको, हरियाणा में दो ही जगह वोट जाएंगे, कांग्रेस और बीजेपी। उसमें इलाके के हिसाब से अलग अलग वर्गीकरण होगा उसका। जिस इलाके में कौन आगे बढ़ रहा है उसकी तो जनता पहचान करेगी, क्योंकि कुछ इलाकों में किसकी को अभी मान करके लोग मान करके आगे का स्वार्थ देख करके कहाँ फैसला करेंगे, वो तो अलग अलग इलाके के हिसाब से है। जैसे आप रोहतक बेल्ट में जाओगे तो वहाँ सीधम सीधा ये मानेंगे कि हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उनके कैंडिडेट को फायदा। आपके इस इलाके में क्या लगता है, यहाँ पे क्या माहौल है, किसके पार्टी के पक्ष में माहौल है? आज के दिन तो बराबर मुकाबला है। हाँ कभी यो कोई मान के चल रहा हो कि ये कैंडिडेट आगे है, लेकिन जो कैंडिडेट ज़्यादा मेहनत करेगा वो यहाँ जीत जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में यहाँ पे जो मुद्दे हैं, जो आपके लोगों के मुद्दों पे काम हुआ है, किसानों के, सड़कों के, पानी के मुद्दों पर क्या यहाँ पे सरकार ने काम किया पिछले 10 सालों में? 10 साल में कोई भी काम नहीं आया। सरकार काम कहाँ से करी थी? सरकार को नेताओं को वितर देना, किसानों पर अत्याचार करना, कर्मचारियों पर अत्याचार करना, सरपंचों पर अत्याचार करना, इसी में फुर्सत नहीं थी? वो कहाँ से विकास का कार्य कहाँ होगा? आप ये देखो ना, एक ग्रेजुएट बच्चा डी ग्रुप में लेकर 10वीं क्लास के आदमी को पानी पिला रहा है, उसको चाय पिला रहा है, इससे भ्रष्ट सरकार और क्या होगी? ग्रेजुएट बच्चा है वो तो, इनके पास मुद्दा है नहीं वोट मांगने का, कोई मुद्दा नहीं है। कर्मचारी यहाँ नहीं, भ्रष्टाचार इतना है कि कहीं आज तक किसी सरकार में होया नहीं। भजनलाल का नाम लिया करता लेकिन उससे भी ऊपर चले गए भ्रष्टाचार में। तो क्या इस सीट पर अभी माहौल किसके पक्ष में लग रहा है? माहौल है अब हरियाणा के अंदर कांग्रेस का। और आपकी विधानसभा सीट पे? हमारी विधानसभा सीट पर अभी तो बराबर का है, लेकिन आने वाले टाइम क्या बताएगा वो देखते हैं। तो जैसा आपने सुना तमाम लोगों को कहना था, यहाँ कई मुद्दे हैं जिस पे सरकार ने काम नहीं किया, हालांकि कुछ लोग सरकार के कामकाज से खुश भी नज़र आए। हालांकि एक मुद्दा जो सबसे बड़ा इस चुनाव में मुद्दा है यहाँ पे, बाहरी उम्मीदवार का, बाहरी बनाम स्थानीय, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया वो बाहरी है और जो भाजपा का कैंडिडेट वो स्थानीय है। तो अगर कांग्रेस स्थानीय किसी उम्मीदवार को लड़ाती यहाँ से तो चांसेस थे कि वो जीत जाता। तो लोगों को कहना है कि अभी देखना होगा 8 तारीख तक कि कौन जीतता है, लेकिन क्योंकि मुकाबला जो है बहुत कड़े का है। कैमरा पर्सन सुदीश के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।